फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे गेंदा के और गुलदाउदी के, और उधर आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कलांचू हैं जो कि कटिंग से रेडी हुए हैं, बहुत ही अच्छे से अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड। और इधर आप देख सकते हैं कि जितने भी गेंदा के प्लांट मैंने कटिंग से रेडी किए थे, सभी में फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें बर्ड्स जो हैं कितने सारे बने हैं, और इसमें फ्लावरिंग जो स्टार्ट हो गई है। और इधर आप देखिए, ये भी कटिंग से रेडी हुआ है, मेरी गोल्ड का प्लांट है। देखिए इसके कलर जो हैं काफ़ी खूबसूरत हैं, डार्क मैरून और येलो कलर का है, और इसमें भी ढेर सारे बर्ड्स जो हैं बने हैं। तो सारे गेंदा के प्लांट में मेरी फ्लावरिंग जो है अब स्टार्ट हो गई है। मैं कुछ ऐसे प्लांट्स आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड, जिसके लिए आपको उसकी कटिंग लगाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपसे कटिंग जो है नहीं लग पाती है, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है, तो कोई बात नहीं, ये ऐसे प्लांट है जिसे अगर एक प्लांट भी उसके आप लगाते हैं तो बदले में हजारों प्लांट जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे। कटिंग जो है नहीं लग पाती है तो कोई बात नहीं, इन प्लांट्स को लगाकर आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और टेंशन फ्री होकर आप अपनी गार्डनिंग कीजिए। पहले नंबर पर आता है, आप देख सकते हैं, ये है रियो का प्लांट। देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। और इसको लगाने के लिए आपको इसकी कटिंग को लगाने का झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक प्लांट भी इसके आप लगा लेते हैं तो बहुत ही जल्दी पूरा पॉट जो है इसका, ये प्लांट जो है वो कवर कर लेता है। प्लांट में इस तरह से ढेर सारे बेबी प्लांट जो हैं वो निकलते रहते हैं फ्रेंड। इसके एक प्लांट आप लगाएंगे तो फ्री में आपको ढेर सारे प्लांट जो है मिल जाएंगे। तो बस इन्हें सेपरेट कीजिए और एक अलग पॉट जो है इसका फ्री में रेडी कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही रियो का प्लांट था, एक ही रियो के प्लांट से सेपरेट कर करके मैंने ढेर सारे प्लांट जो है इसके फ्री में बना लिए हैं फ्रेंड। और देखिए इसमें भी मैंने इस तरह से दो प्लांट जो है सेपरेट करके ही लगा दिए हैं। अगला जो प्लांट है ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने सुंदर इसके पत्ते लगते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लांट अगर इसके आप लगाते हैं तो इससे ढेर सारे जो बेबी प्लांट है अपने आप से बन जाते हैं। तो इस तरह से सेपरेट कर करके आप इससे ढेर सारे फ्री के प्लांट्स या फिर पॉट्स जो है रेडी कर सकते हैं। पर्पल हार्ट के प्लांट को लगाने के लिए आपको उसकी कटिंग को लगाने के झंझट करने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट से मेरे इतने सारे पर्पल हार्ट के प्लांट जो है वो फ्री में रेडी हो गए हैं। और देखिए मैंने इसमें भी इसके सेपरेट करके एक अलग पॉट जो है वो फ्री में रेडी कर लिया। और ये मशरूम का डब्बा ही है, और देखिए इतने छोटे से डब्बे में मेरा जो पर्पल हार्ट का प्लांट है वो कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। जो प्लांट आप देख रहे हैं वो है स्पाइडर प्लांट, तो इसकी भी कटिंग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसमें ढेर सारे इस तरह से रनर्स निकलते रहते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में भी आप देख सकते हैं इस तरह से ढेर सारे, देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे प्लांट जो हैं इसके अपने आप से बनते रहते हैं। तो इसे अलग करके आप फ्री में इसका पॉट जो है वो डिवाइड करके बना सकते हैं। देख सकते हैं कि एक ही स्पाइडर प्लांट से इस तरह से डिवाइड कर करके मैंने ढेर सारे स्पाइडर प्लांट जो है इसके फ्री में बना लिए हैं। अगला जो प्लांट है वो आप देख सकते हैं, ये है स्नेक प्लांट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं स्नेक प्लांट, ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। इसके पत्ते को काट कर अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो उससे भी प्लांट जो है रेडी हो जाता है फ्रेंड। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें भी ढेर सारे इस तरह से बेबी प्लांट अपने आप से बनते रहते हैं। अगर एक प्लांट स्नेक प्लांट के आप लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी उसका पूरे पॉट को ये जो प्लांट है कवर कर लेता है। स्नेक प्लांट की भी कटिंग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये जो प्लांट है इसमें ढेर सारे बेबी प्लांट जो अपने आप से निकलते रहते हैं फ्रेंड। और ये देखिए इसमें इस तरह से छोटे छोटे प्लांट जो है बनते रहते हैं। तो उसे डिवाइड करके आप बिना कटिंग लगाए इसे फ्री में अनेकों स्नेक प्लांट जो है वो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्नेक प्लांट के पॉप्स को इस तरह मैंने सेपरेट करके इस वेस्ट में लगा दिया, और इसका ब्यूटीफुल सा हैंगिंग प्लांटर जो है मेरा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। प्लांट है फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये है एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा के प्लांट को भी आपको कटिंग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। और ये ढेर सारे प्लांट जो है अपने आप से इस तरह से ढेर सारे बनते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारे इस तरह से बेबी प्लांट जो है छोटे छोटे निकलते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा बेबी प्लांट जो है इसका निकला हुआ है। तो एक प्लांट अगर आप एलोवेरा के लगाएंगे तो उससे ढेर सारे प्लांट जो है अपने आप फ्री में बन जाते हैं। तो उसे डिवाइड करके आप अलग ढेर सारे पॉट जो हैं इस तरह से रेडी कर सकते हैं। मैं देख सकते हैं आपकी मैंने डिवाइड कर करके इतने सारे एलोवेरा के प्लांट जो है वो फ्री में बना लिए हैं। जो एलोवेरा का प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है। तो ये तो हम सभी के घरों में होना बहुत ही ज़रूरी है। जो प्लांट है फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, यह है कैलेथिया का प्लांट। इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जो प्लांट है इस तरह से अपने आप से डिवाइड होते रहते हैं, और इस तरह से ढेरों प्लांट जो है इसके बनते रहते हैं फ्रेंड। मेरे पास भी केवल एक ही इसकी ब्रांच थी, उसी से मैंने इस प्लांट को लगाया था फ्रेंड। और देखिए पूरा मेरा जो पॉट है इसने कवर कर लिया है। तो इसमें से सेपरेट करके डिवाइड करके मैं इसका एक और पॉट जो है वो रेडी कर लूँगी। तो अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं यह है एग्लोनिमा का। देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ढेर सारे इस तरह से बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं फ्रेंड। और उसे सेपरेट करके आप अलग पॉट में लगा देंगे तो आपका प्लांट जो है फ्री में रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक छोटे से इसके बेबी प्लांट को अलग करके इसी छोटे से पॉट में लगा दिया था, और ये भी प्लांट मेरा फ्री में जो है रेडी हो गया है।
देखें फ्रेंड्स, ये है एलोकेसिया का प्लांट। तो इसमें भी ढेर सारे इस तरह से बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने बेबी प्लांट इसके जो है निकल गए हैं। तो इसे आप सेपरेट करके अलग पॉट में लगा देंगे तो इस तरह से फ्री में इसका प्लांट जो है एलोकेसिया का आपका रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिना कटिंग को लगाए मैंने इसी पॉट में से एक प्लांट को सेपरेट करके इसका एक और छोटा सा पॉट जो है वो फ्री में रेडी कर लिया फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैंगिंग प्लांटर्स मैंने बनाए हैं सभी को मैंने इस तरह से सेपरेट करके ही ढेर सारे हैंगिंग प्लांटर जो है इसके बना लिए हैं फ्रेंड। और इन्हें इसकी कटिंग भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से सेपरेट कर करके आप इसे अलग अलग पॉट में लगा दीजिए तो इस तरह से फ्री में आपका पॉट जो है वो रेडी हो जाता है।